गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस विच हैव कम इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स ऑफ AIEEE एंड JEE. सो AIEEE JEE मेंस में जितने भी जिस तरीके की भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज डिस्कशन होगा उनका और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सब पे डिस्कशन करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं कि हमारी अप्रोच कहाँ तक, हम कितना सीखे हैं, कैसे हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें या फिर कैसे हम अटैम्प्ट कर सकें क्वेश्चनों को AIEEE JEE के एग्जाम्स को. तो देखेंगे AIEEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स. मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे बेस है. आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अब रह रहा है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसा फेस करना है. कंसेप्ट और थ्योरी अगर इंट्रोडक्शन और आपका बिल्कुल बहुत बढ़िया है तो आई थिंक यू कैन फेस एनी क्वेश्चंस. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ ए इज इक्वल टू दिस पेज इज सम डर्टी, तो आप उस पेज पे मत जाओ. ओके, यू कंसेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन. इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर आपके पास है अल्फा बीटा बीटा अल्फा, देन वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? अल्फा इज इक्वल टू, देखो कंडीशन क्या दी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन करेक्ट है. अल्फा की वैल्यू ये आएगी, बीटा की वैल्यू आएगी, कौन सी आएगी. एंड ये आपका आया है AIEEE मेंस में 2003 का आपका क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ ये क्वेश्चन. तो देखते हैं सॉल्यूशन. हमें गिवन है ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए क्या गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है हमारे, ए स्क्वायर हमको गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा कंप्लीट गिवन है और ए की वैल्यू भी गिवन है. तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए. तो ए आपको ये गिवन है इंटू अगेन ए, तो इनका जब मल्टीप्लाई किया देखो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस साइन बी इंटू बी बी स्क्वायर. तो आपका इतना देखो, अगर आप AIEEE JEE के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हो, आप उनको ट्राई कर रहे हो, तो आपका कंसेप्ट तो बेसिक तो बहुत हाईली स्ट्रांग होना चाहिए ना, एकदम जबरदस्त कि मल्टीप्लाई तुरंत हो रही है डायरेक्ट ही आपके, ऐसे ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि देख कर ही आप सब कुछ कर दो. तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ए इंटू बी ए बी प्लस बी ए, अब देखना कैसे कैसे करेंगे. सो बी ए प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया. ओके, नाउ सी ए स्क्वायर की वैल्यू भी आपको गिवन है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? ए स्क्वायर हमें गिवन था अल्फा बीटा बीटा अल्फा. सो ए स्क्वायर हमारे पास एक तो ये आया और एक स्क्वायर क्या गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा. बस सिंपल क्या, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बाई क्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो हम निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आई है, टू ए बी. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा की वैल्यू आई है टू ए बी. सो ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. क्लियर? ये 2003 का क्वेश्चन था, देखो दो मिनट में हो जाने चाहिए, दो मिनट में भी गया, एक मिनट का क्वेश्चन है ओनली, अगर आपके बढ़िया चीज़ें हैं, कंसेप्ट अगर बहुत हाई है. ठीक है, तो आपका करेक्ट हो गया. लेट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. हमारे पास लेट ए कोई मैट्रिक्स गिवन है. द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैट्रिक्स ए इज, हमको ऑप्शन में चार स्टेटमेंट गिवन है, हमको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ये आपका है AIEEE मेंस 2004 का क्वेश्चन है, 2004 में आया था. तो देखते हैं, देखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट गलत है क्या? ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो आ जाए, जब एग्जिस्ट नहीं करता है, हम सबको पता है. तो ए इनवर्स इसका जीरो नहीं आ रहा होगा, आएगा कुछ ना कुछ. तो ये तो स्टेटमेंट गलत ही हो गई कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है. अब देखो ए इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आई, जो ए की वैल्यू है माइनस वन इंटू आई है क्या, माइनस वन इंटू आई क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको. ओके, माइनस वन आई क्या हो जाएगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन. तो माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस वन यहाँ माइनस वन माइनस वन, तो क्या मैट्रिक्स बनता, माइनस वन माइनस वन माइनस वन बाकी जीरो. बट हमारे पास तो मैट्रिक्स अलग है ना, माइनस वन माइनस वन माइनस यहाँ पर है. तो ए इज इक्वल टू माइनस वन इंटू आई नहीं है, आपका ये भी गलत हो गया. वेयर आई इज यूनिट मैट्रिक्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. क्लियर? ए इज अ जीरो मैट्रिक, क्या जीरो मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो रॉन्ग. बचा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको चेक कर लेते हैं. तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, जब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन वन आ गया. क्लियर? अगेन जीरो 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 मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन जीरो और फिर प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो फिर जीरो आ गया. तो हम देखेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, मतलब ए स्क्वायर हमारे को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर? ऐसे. ओके,
दिस इज योर 2004 का क्वेश्चन है. ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज क्वाइट इंटरेस्ट क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो गिवन है लेट ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स गिवन है आपका ए ट्रिपल ई जे मेन्स का 2004 का क्वेश्चन है, तो देखते हैं. और आपको दिया है 10 into b की वैल्यू गिवन है, ये 10b की वैल्यू आपको ये गिवन है. ये कह रहा है कि इफ b इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से तभी अटेंड करना, ढंग से समझ आ जाए. इफ b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो b मैट्रिक्स है वो a का इनवर्स है, देन अल्फा इज, वो कह रहा है देन अल्फा की वैल्यू क्या होगी. तो देखते हैं, ध्यान से देखते रहो. वो उसने क्या कहा है कि b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब जो b है वो a का इनवर्स है. मतलब a का इनवर्स कितना है, b है, गिवन है क्वेश्चन में. क्लियर, ए का इनवर्स कितना है, बी, ये लिख रहा है ना, बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है. ओके अब हम करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए. क्या कर रहे हैं हम, पोस्ट मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं. तो देखो पोस्ट मल्टीप्लाई करने से हमको क्या फायदा होगा, आपको ऐसी चीज करनी है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाए, हमको ये गिवन था. तो देखते हैं क्या करेंगे, रिलेट सब कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं, अब देखेंगे कैसे आ जाएगा आंसर. तो किससे कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब ए का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बाद में, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई ए. तो यहाँ से ये तो बन गया आई और बी इंटू ए हो गया. अब ध्यान से देखो, अब 10 का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10 का मल्टीप्लाई इधर भी, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी, सो 10i इज इक्वल टू 10ba. अब देखो 10i मतलब आइडेंटिटी में 10 का मल्टीप्लाई तो वो तो हो गया 10000010000010. अब 10b की वैल्यू हमें दे रखी है इसलिए 10b का मल्टीप्लाई किया है. 10b की वैल्यू हमें क्या गिवन है, ये पूरी 10b की वैल्यू 422-50 अल्फा. क्लियर, तो ये हमने लिख दी. इंटू मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, a का हो गया ये एज इट इज. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या आया, देखो 4 into 1 4 प्लस का 2 into 2 4 मतलब 4 + 4 हो गया प्लस का 2 into 1 2 तो 10 बन गया. तो यहाँ तो बन गया 10. ऐसे सारे करना, सारे जब आप फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करोगे तो 0 बनेगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करोगे तो 0 बनेगा. अब जब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -5 + अल्फा, फिर अल्फा प्लस 5, फिर -5 + अल्फा. सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही तो है. क्लियर, ओके नाउ सी. अब इक्वालिटी ऑफ साइन, इसलिए हम कर रहे थे कि हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकें, इसलिए हमने ये सब कुछ करा है. आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी बनकर सब कुछ ऐसे आ जाएगा. क्लियर, सो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, बाय करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई सा भी एक उठा लो, -5 + अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर. सो 0 इज इक्वल टू -5 + अल्फा, सो अल्फा बिकम इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू 5. सो योर ऑप्शन इज 5, डी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज योर 4, ये 2004 में आया था AIEEE मेंस का. ओके नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, देन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, तो इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, वैल्यू दे रखी है, मतलब हमें निकालना है ए इनवर्स क्या होगा. वैल्यू ए माइनस आई होगा, आई माइनस ए होगा, ए प्लस आई होगा, ए होगा. हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं ऐसे अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी करें. एंड दिस इज योर क्वेश्चन, AIEEE मेंस 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन, 2005 में आया था. ओके नाउ सी, 2005 का क्वेश्चन है ये. तो कैसे करेंगे, देखो हमको क्या स्टेटमेंट गिवन है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करेंगे, प्री या तो प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो. बट हमको पता है कि अगर कुछ ए बी ऐसे लिख रहा है, अगर हम सी का प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया सी, आगे आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और अगर सी का बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में, तो सी और सी. तो हम देखेंगे सी ए और ए सी बराबर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में बराबर नहीं होते. ऐसे सी बी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लीकेशन में बराबर नहीं होते, इज इट. ओके नाउ सी, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो. तो हम कर लेते हैं, चलो प्री मल्टीप्लाई किया है हमने ए इनवर्स का, क्या कर रहे हैं हमें ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स का दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, इंटू ए माइनस ए, मतलब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करा आगे, ए इनवर्स इंटू ए प्लस का ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स. दिस इज 0 मैट्रिक्स, नॉट 0 एलिमेंट. ओके नाउ सी, हाँ, किसी भी मैट्रिक्स का उसकी 0 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है. ये क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, आई बन गया, ए का ए हो गया, माइनस का ए इनवर्स ए आई हो गया, प्लस का ए इनवर्स इंटू आइडेंटी ए इनवर्स ही हुआ इज इक्वल टू 0. हमें आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, तो हमें ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स क्या आ गया भाई, आई इधर आएगा तो प्लस का, और ये ए बन गया ना इधर, क्लियर, तो ये इधर आएगा तो माइनस का. तो ऑप्शन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, इसको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता,
एक मिनट से भी कम के क्वेश्चन है। तो ये आपका 2005 में आया था, ये ट्रिपल ईजेई में मेंस एग्जाम में 5 में आया था। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका अच्छा क्वेश्चन है, विच इज बेस्ड ऑन द सम मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं यहाँ पर भी बता दूंगा अगर किसी को नहीं आ रहा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। ओके देखो, इफ ए मैट्रिक्स ए गिवन ए एंड आई इज इक्वल टू दिस गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। वो ये कह रहा है कि एन की वैल्यू वन और ग्रेटर देन वन पर कौन सा होल्ड करेगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट आपको गिवन है, एन की वैल्यू वन पर और एन से ज्यादा पर कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगा वो बताना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें बताना है। ये चारों स्टेटमेंट गिवन है, ये चारों स्टेटमेंट गिवन है। देखो ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो लेंथी क्वेश्चन है, इसमें हमें सब स्टेटमेंट को लेकर चलना था, सब स्टेटमेंट को लेकर चलना है, फिर देख रहे हैं क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं सी को लेकर चल रहा हूँ बिकॉज सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। अब बताएंगे क्यों, देख रहे हैं। आपको जो आपको पेपर में करना है तो आपको तो चारों ही चेक करना है, आपको थोड़ी ना पता है कौन सा सही है। ठीक है, जो सही है मैं वो लेकर चल रहा हूँ बताने के लिए आपको कि क्या क्या होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल, ये स्टेटमेंट क्यों सही है। वरना आपको तो ऐसे ही करने हैं सारे, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे स्टेटमेंट लेकर चलने हैं ऐसे, फिर जाके आपका जो मिलेगा सी स्टेटमेंट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। ओके या एक ये आपका ये ट्रिपल जे मेंस का 2005 का क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। तो देखो मैं लेकर चला सॉल्यूशन ए एन, ध्यान से देखो जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है ऑप्शन सी में, स्टेटमेंट क्या गिवन है आपकी, ए एन इज इक्वल टू एन ए माइनस एन माइनस वन इंटू आई। तो स्टेटमेंट है आपकी पी एन, ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट मैथमेटिकल इंडक्शन में। सो पी एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू एन ए माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू आई। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, स्टेप फर्स्ट मैथमेटिकल इंडक्शन में एन इज इक्वल टू वन पर चेक करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, एन इज इक्वल टू वन पर। तो हमने एन इज इक्वल टू वन पर चेक करा, तो ये हो जाएगा ए एन की वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू वन इंटू ए माइनस वन माइनस वन इंटू आई। तो यहाँ से देखा ए की पावर वन ए ही आया, यहाँ पर ए ही बना, वन माइनस वन जीरो इंटू आई वो जीरो हो जाता, तो ए इज इक्वल टू ए, मतलब हमको क्या मिला स्टेटमेंट विच इज ट्रू। जब एन इज इक्वल टू वन पर ट्रू हो जाता है तो सेकेंड स्टेप हम क्या मानते हैं, एन को मान लेते हैं, एन इज इक्वल टू एम मान लेते हैं, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, लेट एज्यूम, यहाँ मान लिया हमने, लेट एज्यूम पी एन इज इक्वल टू पी एम है, मतलब हमने एन इज इक्वल टू एम के लिए एन इज इक्वल टू एम मान लिया और हमने मान लिया कि एन इज इक्वल टू एम के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गए, क्लियर ट्रू हो गई। तो देखते क्या है, लेट अज्यूम हमने माना एन इज इक्वल टू एम, मतलब ये जो पी एन था किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू पी एम, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम। हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है ये कि गिवन स्टेटमेंट है वो जो एन इज इक्वल टू एम के लिए ट्रू है। जब हम सेकेंड स्टेप ये एज्यूम कर लेंगे तो थर्ड स्टेप में अगर हम क्या चेक कर लें, थर्ड स्टेप में अगर हम चेक कर लें जो गिवन स्टेटमेंट है वो m प्लस वन के लिए ट्रू है, m प्लस वन के लिए निकालते हैं ट्रू निकालते हैं, अब निकालेंगे एल एच एस आर एच एस सॉल्व करेंगे, तो हम क्लियरली मानेंगे कि जो पूरी स्टेटमेंट थी वो किसके लिए जो ये स्टेटमेंट है किसके लिए ट्रू है, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, वन पे भी ट्रू आ गई। अब हमने n को क्या मान लिया, m के बराबर मान लिया, हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू m के लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है m प्लस वन पर निकालेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ऑप्शन थ्री था ऑप्शन थर्ड था वो ट्रू हो जाएगा फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के लिए भी है। और देखो m प्लस वन मतलब n प्लस वन ही तो है, तो n प्लस वन मतलब n ग्रेटर देन के लिए भी ट्रू है। ओके नाउ लेट्स सी, ओके नाउ स्टेप थ्री, फॉर m ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, फॉर m ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन मतलब m प्लस वन के लिए निकाल रहे हैं। सो p स्टेटमेंट m प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये स्टेटमेंट थी यहाँ पे n के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, सॉरी आप ये भी देख सकते हो ये री ए m है तो m के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, m प्लस वन, क्या रख देंगे m प्लस वन, तो m के प्लेस पे रखा m प्लस वन, तो ये हो जाएगा a m प्लस वन इज इक्वल टू m के प्लेस पे m प्लस वन इंटू a माइनस m के प्लेस पे क्या रखेंगे m प्लस वन माइनस वन इंटू i। तो हम क्या लेकर चलेंगे, हमने मान ली ये एल एच एस है, अगर हम प्रूफ कर देते हैं और ये आर एच एस है, तो पहले हम एल एच एस लेकर चलेंगे, आर एच एस के अगर प्रूफ हो जाएगी तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के लिए, मतलब m प्लस वन पर वो ट्रू हो गई। सो एल एच एस में हमारे क्या है, ए एम प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम इंटू ए, ये होता है ना, अगर ए एम इंटू ए इसको क्या करेंगे, बेस सेम है तो m प्लस वन ही तो लिख सकते हैं, क्लियर बेस सेम है तो m प्लस वन ही तो लिख सकते हैं। नाउ सी ए एम इंटू ए, देखो ए एम की वैल्यू क्या गिवन है, ए एम की वैल्यू ये पूरी गिवन है तो पूरी रख दो इधर, इंटू ए कर दिया, ए का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये हो गया एम ए स्क्वायर माइनस एम माइनस वन इंटू आई ए,
क्या निकालना है, एम इन टू ए स्क्वायर। ए आपको गिवन था, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ऑलरेडी, विच इज वट इज द ए मैट्रिक्स 1 0 1 1। सो ये हो जाएगी 1 0 1 1 इन टू 1 0 1 1 माइनस एम माइनस वन, और ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो ए ही बनेगा, तो ए का मैट्रिक्स ये लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हमने किया तो एम इन टू ये आ जाएगा 1 0 2 1 माइनस का एम माइनस वन का पूरे एलिमेंट के साथ। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, किसी एक रो के साथ कर देते हैं, बट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो एम माइनस वन 0, एम माइनस वन एम माइनस वन। तो यहाँ से एम का अगेन इसमें कर दो एम 0 टू एम एम, और माइनस का एम का इससे इसके साथ कर दिया मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया, और इस कंप्लीट का ये आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो देखो क्या आएगा, एम माइनस का एम माइनस वन तो ये आएगा प्लस का वन, प्लस का वन। जीरो माइनस का जीरो जीरो, टू एम माइनस वन एम प्लस वन बचेगा, एंड एम माइनस वन प्लस वन बचेगा। तो एल एच एस साइड से हमारे पास आया 1 0 एम प्लस वन वन। अब लेकर चलते हैं इसके आर एच एस साइड, आर एच एस साइड में क्या, एम प्लस वन इन टू ए माइनस एम। देखो वन माइनस वन तो एम ही बच रहा है, वन से वन कैंसिल आउट, एम आई बच रहा है। तो देखो यहाँ पर सी आर एच एस साइड लेकर चलेंगे, ओके आर एच एस साइड में हमारे पास क्या है, एम प्लस वन इन टू ए माइनस एम आई। तो एम प्लस वन ए की वैल्यू है माइनस एम का एम, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी। एम प्लस वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एम प्लस वन जीरो एम प्लस वन एम प्लस वन, इसके साथ एम, इसके साथ जीरो जीरो और एम बन गया, क्लियर। तो हमने जब इसका सब्ट्रैक्शन किया, देखो एम प्लस वन माइनस एम वन बचा, जीरो माइनस जीरो जीरो बचा, एम प्लस वन माइनस जीरो एम प्लस वन ही बचा, एम प्लस वन माइनस एम तो वन बचा। तो देखेंगे एल एच एस और आर एच एस बराबर आएगी, मतलब एन इज इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू हो गया, एन इज इक्वल टू एम के लिए हमने एज्यूम करा था कि ट्रू है, मतलब पी एन इज इक्वल टू पी एम हमने एज्यूम करा था। सेकेंड स्टेप ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन निकालने का प्रोसेस है, पहले n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू, पहले n इज इक्वल टू वन के लिए प्रूफ करो, फिर n इज इक्वल टू m के लिए एज्यूम करो कि स्टेटमेंट ट्रू है, और थर्ड क्या निकालते हैं हम, पी एम इज इक्वल पी एम प्लस वन, एम प्लस वन पर निकालते हैं अगर ट्रू आ जाती है स्टेटमेंट। तो जो गिवन स्टेटमेंट है n ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। बात समझ आई नहीं आई, ओके तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपका 2005 में आया था ये क्वेश्चन, आपको तो भाई सारे करने पड़ेंगे, ये लेंथी है, दिस क्वेश्चन इज लेंथी एंड इट कंज्यूम अप्रोक्सी 4 to 5 मिनट्स आपकी कंज्यूम कर जाएगा ये क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 6। सी If A and B are square matrix, दो आपके पास square matrix है of size n order n, मतलब same size के n by n के, मतलब 2 by 2, 3 by 3 कुछ भी हो सकता है, such that क्या condition given है, such that A square minus B square is equal to A minus B multiply B plus, sorry A minus B multiply A plus B, ये statement given है, then which of the following will be always true, तो कौन सा statement इनमें से true होगा। अच्छा ये आपका जेई मेंस 2006 का क्वेश्चन है, 2006 में आपका जेई मेंस के या ट्रिपल जेई मेंस के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, देखते हैं। तो पहले तो देखो ये कह रहा है आइदर ए और बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या ए और बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, वो कह रहा है सेकंड में कि ए इज इक्वल टू बी, की ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, या फिर ये थर्ड में बोला है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, या कह रहा है आइदर ए और बी इज अ जीरो मैट्रिक्स, वो कह रहा है कि आइदर ए या बी में से कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। तो देखो स्टेटमेंट को लेकर चलो कि क्या कंक्लूजन निकलता है, कि कैसे बताएं कि ए और बी मैट्रिक्स कैसे हैं, ठीक है। तो हमें गिवन था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या गिवन है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी। अब ए का मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा ए बी, ए स्क्वायर ये हो गया ए बी, माइनस का बी इंटू ए माइनस का बी ए, और माइनस का बी प्लस का बी माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आएगा, देखो ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब आएगा, जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई, तभी तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। हमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है ना, तो कब बचेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से मीन हमें पता लगा ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, निकल गया ना स्टेटमेंट, जो भी आपको गिवन है उसको लेकर चलो और देखते हैं क्या निकल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तभी ये जो गिवन था ऑलवेज सच ऑलवेज ट्रू होगा। बात समझ में आई, तो ए बी इज इक्वल टू बी आया आपका यहाँ से आंसर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सी इज करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7।
ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका 2007 में आया था, 2007 में लिख लो इसको, या ट्रिपल ई जेई 2007, जेई मेंस एग्जाम में 2007 का क्वेश्चन है, 2007 में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे सही आ रहे हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो ए आपके पास है 1 2 3 4, बी आपको गिवन है ए 0 0 बी। ए और बी बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। देन तो वो पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। वो कह रहा है अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो बी बहुत सारी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब बी मैट्रिक्स बहुत सारी बनेंगी, जैसे 1 0 0 1, मतलब इस ऑर्डर की बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी बी, अगर ये चीज है ए बी इज इक्वल टू बी ए सच दैट, अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वो कह रहा है कि बी मैट्रिक्स बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी बी मैट्रिक्स। सेकंड में क्या पूछा है, हमें तो बी मैट्रिक्स निकालने की, बी मैट्रिक्स कब निकलेगा जब ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी, तो हमें देखना है कि ए बी की वैल्यू कितनी निकल रही है, उतनी हमारे पास क्या बनेंगी बी मैट्रिक्स बनेंगी। अभी जब सॉल्यूशन करेंगे तो और समझ आ जाएगा। ये कह रहा है देयर कैन नॉट एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए है ये हो रहा है तो इस कंडीशन में बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि बी मैट्रिक्स कितनी हो सकती है, एक मैट्रिक्स होगी, दो होंगी, या एग्जिस्ट कर रही है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिक्स होंगी। तो लेकर चलते हैं, चार ऑप्शन में से देखना है। ओके सो गिवन हमको क्या गिवन है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, इज इक्वल टू बी और ए की वैल्यू गिवन है, रख दिया, मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए, ए प्लस का 2 इंटू 0 0, तो ए प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए आ गया। सिमिलरली फर्स्ट का इसके साथ करो ए इंटू 0 0 प्लस का 2 इंटू b 2b, तो 2b आ गया। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने से ए 2b 3a 4b आया हमारे पास, इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी ए 2b 3b और 4b आया। क्लियर, अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेकर चल लो, मैं ये लेकर चल रहा हूँ, 2b किसके बराबर है, 2a के बराबर है, सो 2b इज इक्वल टू 2a के बराबर है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू b आ रहा है, क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू b मिला। एक और लेकर चलो 3a इज इक्वल टू 3b के बराबर है, तो यहाँ से भी क्या मिला, 3a इज इक्वल टू 3b, 3 से 3 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू b ही मिला। तो हमने क्या देखा कि a इज इक्वल टू b है, मतलब और a b कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, तो b मैट्रिक्स कितने बनेंगे, a और b की वैल्यू सेम आ रही है, और नेचुरल नंबर तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है, तो अगर मैं a की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो b की वैल्यू भी क्या रखूंगा, ध्यान से देखो 1 रखूंगा, तो b मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 0 0 1, देखो 1 0 0 1। अगर a की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो b की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी, क्योंकि हमको क्या मिला, a इज इक्वल टू बी। ओके, और ए बी की वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं, ए बी की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग करे ना, इनफाइनाइटली नंबर रख सकते हैं हम इसमें, तो कितनी मैट्रिक्स बनेंगी बी, हो सकता है कि बी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाए, हो सकता है कि 2 0 0 2, हो सकता है कि 3 0 3 हो जाए, और हो सकता है कि 4 0 0 4 हो जाए, तो चलती रहेंगी। कितनी मैट्रिक्स बन रही है बी की, इनफाइनाइटली मैट्रिक्स बनेंगी, इज इट क्लियर और नॉट, इनफाइनाइटली मैट्रिक्स बनेंगी। सो ये आपके क्वेश्चन थे 2007, ये आपके जो है ट्रिपल जे मेंस में क्वेश्चन आए हैं, और हम डिस्कशन करेंगे आगे। आपका होमवर्क है, आपको ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको, सॉरी एक ही क्वेश्चन है, दूसरा मैंने कंप्लीट लिखा नहीं है। सो फर्स्ट ये आपका जेई मेंस का 2007 का ही क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो, दिस इज द क्वेश्चन आपका जेई मेंस में आया था रिलेटेड टू मैट्रिक्स, अभी डिटरमिनेंट्स के भी स्टार्ट होंगे तो आप ये देख लो। ओके थैंक्स टू ऑल बडी, एंड आप करते रहो कि हमें फेस कैसे करना है क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से बस अटपटे होते हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको कंप्लीट कर दोगे। थैंक्स टू ऑल बडी।